आरा वार्ड नंबर 27 लाला गलियम हफीज कॉलोनी के गलियम नाली के निर्माण हेतु स्थानीय लोगों ने कई बार इसका आवेदन नगर निगम जिलाधिकारी को दिया है, लेकिन अब तक नाली का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते पूरे मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नाले का मुख्य जो पानी निकासी था उसे भी बंद कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों को कोरोना जैसे संक्रमण में खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि कई बार उन्होंने इसकी शिकायत नगर निगम में भी किया है, लेकिन निगम की तरफ से कोई भी अधिकारी आज तक इस इलाके की मुआयना करने नहीं आया है। बड़ी बीमारी का कारण भी बन सकता है इस कार्य के लिए। जब भी स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि निगम से संपर्क करने पर कहा जाता है कि आश्वासन दिया जाता है, लेकिन दो चार दिनों में कार्य आरम्भ हो जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। स्थानीय लोग काफी भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि क्या परेशानी है पानी लगने से? पानी लगने से थी हम लोग के आने जाने में दिक्कत है, पूजा पाठ करने में दिक्कत हो जाता है। मतलब कि हमेशा पानी लग रहता है? एक ऐसा पानी बारिश के पानी के नाला पानी है थी, बारिश बरसता है तो नाला भर जाता है तो लग जाता है। अभी फिलहाल हमेशा भी फिलहाल पानी लग रहा है? ना, हमेशा नहीं लगता है, बारिश होता है तो लग जाता है। यानी बारिश होता तो लग जाता है पूरा। साफ सफाई होता है कि नहीं होता है? सफाई होता है, दो चार महीना पर होता है, होता ही नहीं होता है। यानी परेशानी बना रहता है? परेशानी बना रहता है। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। परेशानी है नाली के पानी? ना गली एकदम गंदगी हो गई बा, पानी डांड़ भर लाग जाता है, आवाज जाही में आदमी के दिक्कत होता है। सफाई होता है कि नहीं होता? सफाई नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर जो कैसे आप लोग जाते हैं? अब हमने तो वही में कीचड़ में चढ़ के जाते हैं। नाला में से हेल के जाते हैं? नाला में हेल के जाती है। तो और जो तबीयत खराब होता है कुछ? तबीयत खराब होता तो दवा के जाते हैं हम लोग, पानी में हेलिए के, नाला के पानी में। नाला के पानी में कौन वार्ड है ये? 27 वार्ड है। क्या नाम आपका? मोना देवी। कब से पानी लगा हुआ क्या? ये पानी यहाँ पर इस नाला के जो बनाया गया है, आधा अधूरा वार्ड कमिश्नर के द्वारा बनाया गया, जिसके पहले थे लोग, यहीं तक लोग सैंक्शन किए थे। पूछने पर लोग कहा कि नहीं हुआ है, नहीं बना, कि नाला की सफाई नहीं हो रही है, और कहीं यह पानी जहाँ जितना आ रहा है सब ये जा रहा है गली में, लाला गली में जा रहा है, और यहाँ से पानी निकास का कोई रास्ता नहीं। कि पूरा कितने घर पड़ेगा इधर से? यहाँ घर है आपका कितना है जी? एक दो तीन चार पाँच, बीस घर, पाँच छह घर, सात आठ, आठ घर रखिए टोटल। यानी टोटल गली में लाला लोग रहते हैं, कैश लोग रहते हैं, अपर कास्ट जो है, एक यहाँ पर स्वर्ण माने गोल्ड स्मिथ के लोग रहते हैं, और सभी परेशान हैं। यानी पानी लगता है? अच्छा, तो शिकायत भी करते आप लोगों ने किया? अच्छा, अपना ये बात की, यह रास्ता जो है कॉमन रास्ता है, या हम सभी हिंदू भाई बहन सभी इसी रास्ता से गुजरते हैं, सबको परेशानी हो रही है। रात को अगर यहाँ से जाना होगा, वहाँ से निकलना होगा, यहाँ से परेशानी बढ़ जाती है लोगों को। तो इसलिए है जरूरी है कि इस नाला की सफाई हो जानी चाहिए। नाला की सफाई हो जाने के बाद आप लोगों ने शिकायत किया कि नहीं किसी से? शिकायत हमने जन शिकायत प्रणाली में करना किया है, फिर उसके बाद कॉरपोरेशन में किया है, उसके बाद डीएम के पास हमने भेजा, डीएम ने कहा कि हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है। तब आप क्या करेंगे? उसके बाद हम रिमाइंडर लोग को देते रहे, अब हमारे पास फिर जन शिकायत प्रणाली से आज ने फिर दिया है, कंप्लेन कर दिया है। और दूसरी बात कि अब इसके लिए हमें उच्च स्तरीय हमको भेजना होगा जो है यहाँ पर, हो सकता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोरोना का महाप्रकोप चल रहा है, और कोरोना यहाँ पर फैल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बीमारी का अशुद्धि है तो समझिए कि बहुत बड़ी माने जो असफलता कहा जाएगी सरकार की। क्या नाम आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार उर्फ मन मौजी, एडवोकेट हाई कोर्ट पटना। इसका जो है हमने एक बार फिर हमने लिखा था शाहबाद न्यूज से भी, हमने इसका जिक्र किया था, तो उसमें है कोरोना के बारे में कहा था, फिर वही समस्या यहाँ पर आ गई है। तो इसलिए आवश्यक है कि किसी तरह से इस नाले को बनवाया जाए, मरम्मत किया जाए, एक जगह। और दूसरी बात कि नाला को जाम कर दिया गया है, जो ये नाला जा रहा है आपको वलीगंज के तरफ, और वहाँ से रास्ता बनाया गया नाला को, वहाँ पर जगह जो है सड़क बना दिया गया है एंट्रेन करने के लिए नाली, इसलिए वहाँ भी इस समय जाकर देख सकते हैं आप कि अभी भी वहाँ जाम कर दिया गया है।
इस तरीके से विगत दिनों बारिश हुआ और अब तक बारिश का पानी उस इलाके से नहीं निकल पाया है और आने आगे निकलने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि जहां से पानी निकलने का जो नाले का मुख्य रास्ता है उसे पूरी तरीके से कुछ एक लोगों ने उसे बंद कर दिया है, जिसके चलते पानी पूरी तरीके से इलाके में ही रह रहा है और पूरा नाला जो है सफाई का काम केवल दिखावे के लिए रह गया है। और आप स्वयं इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से लोग नाले के पानी में आवागमन कर रहे हैं और पूरा घर नाले के पानी के आसपास बना हुआ है और लोग इतने भयभीत हैं कि इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं कोरोना का कोई भी उनके इलाके में मामला आता है या नाले के पानी से कुछ संक्रमण होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार होगा कौन। पब्लिक यहाँ जब उमड़ेगी तो क्या होगा, मतलब हमारी गली में नाली का पानी लगा हुआ है, क्या समस्या है? ये आज करीब करीब 1.5-2 साल से जब बारिश होती या ऐसे ही भी पानी हमेशा इतना भर जाता है। क्यों लग जाता पानी है? क्यों लग जाता पानी? पानी आता है आपको काजी टोल यहाँ से दूध कटोरा के पानी आता है, मस्जिद के पास से पानी आता है, आपको सारा पानी इधर आता है और नीचा पड़ता है, इसलिए इसमें पानी होता है। वहाँ जो बंद हो गया है, पुल तोड़ दिए हैं MLA साहब, उनके फंड्स वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वो तोड़ करके नाला को बंद करके सड़क बनवा दिए हैं। अच्छा। जिसके फलस्वरूप पानी के निकास बंद हो गया है और वहाँ अभी ईंटा से उधर के रहने वाले लोग बंद कर दिए हैं। तो नाला को यानी बंद कर दिया गया? नाला बंद किया हुआ है एकदम, उसी के चलते पानी यहाँ पर पानी पहले निकल जाता था। हाँ, पहले पानी निकल जाता था, बारिश होती थी उसके 2 घंटा के बाद पानी निकल जाता था। तो ये नाला कब से बंद कर दिया गया है? बंद किए हुआ है अभी 15 दिन हो गया, 15 दिन से पानी बंद नाला किया हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों ने कोई आवेदन शिकायत? हम लोग इसके पहले आवेदन बहुत दिए हैं, हर जगह दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई पदाधिकारी आज तक नहीं देखा। यहाँ तक कि हम लोग सुने हैं कि इसका नाप हुआ था गली के 3-4 दफा, उसके बाद सुना है कि इसका टेंडर भी हो गया है, लेकिन कोई टेंडर को हम कोई कार्रवाई नहीं, यानी कोई कार्य नहीं हुआ नहीं। और लोगों को परेशानी भी? बहुत परेशानी है, यहाँ से जाने के लिए बस स्टैंड तक लोग जाता है, पीछे में हरिजन टोली है, जो टुटरा मुस्लिम मोहल्ला है, ये सब का मेन गली है रास्ता आने जाने का, यानी रास्ता पूरी तरीके से नाले के पानी से बंद है। नाम बताइए अपना। दुधेश्वर साहा, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। कब से नाली का पानी लगवा, क्या परेशानी है सबसे ज़्यादा? ये परेशानी है, ये 72 घंटे से लगाता है यहाँ पे नाली का पानी जमा हो रखा है, जिसमें कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बूंद भी पानी निकलने का जगह नहीं। इसके लिए हमने निगम में भी कंप्लेन किया हुआ है। वार्ड पार्षद, क्या कारण है कि पानी नहीं निकल रहा? ये अवैध रूप से नाली को जाम कर दिया गया है, जहाँ से इस पानी का निकासी होता था उस चीज़ को जाम कर दिया गया है। इस चीज़ के लिए कंप्लेन हमने निगम में भी किया, जाके वार्ड पार्षद को भी किया, उन्होंने बस हमें आश्वासन यही दिया जा रहा है कि सफाई हो रही है, आपका नाली का जो भी पानी है वो तुरंत निकल जाएगा, साफ सफाई हो रहा है। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक कुछ भी हमें राहत नहीं मिला। किन किन लोगों के पास आवेदन दिया है आपने? ये हमने आवेदन दिया हुआ था नगर आयुक्त के पास, नगर निगम में हमने दिया हुआ है। तो क्या हुआ? ये हमने दिया हुआ था, इन्होंने बोला था कि ठीक है आपका कंप्लेन किया जाए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद से फिर हमने 19 मार्च को हमने दिया हुआ था कंप्लेन दोबारा से जाके नगर निगम में, वो भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हमने DM के पास भी आवेदन दिया हुआ है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज प्रेजेंट डे 8 जून को मैं अभी निगम में से होके आ रहा हूँ, मैं निगम में गया, निगम में बात की गई, निगम में बोला जा रहा है कि आपका काम चालू है, काम आपका निकल, नाली का पानी साफ कराया जा रहा है, पर यहाँ तक हमें कोई भी अभी तक आज तक दिख नहीं रहा पानी का। हमें मतलब झूठा आश्वासन मिलते आ रहा है, हमारे हम लोगों को बोला गया था कि 11 दिसंबर से आपके गली में काम लगेगा, जिसमें लाला गली, आपका चिकटोली लाला गली, ये नाली का और गली का दोनों का काम पूर्ण किया जाएगा, पर अभी तक वो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम वार्ड पार्षद से बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि निगम में जाइए, और निगम में जाते हैं तो बोलते हैं वार्ड पार्षद के पास जाइए, यही हमसे मतलब झूठा आश्वासन हमें दिया जा रहा है। तो अभी यानी काफ़ी परेशानी है आप लोग? बहुत परेशानी है, आप देख सकते हैं, अगर आप घर में जाके देखेंगे तो घर में भी नाली की पानी लगातार 72 घंटे से जमी हुई, कहीं भी पानी निकलने का रास्ता तो नहीं। आप क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हम यही करना चाहते हैं नगर निगम से कि आप आके कम से कम आप गली, हमारे गली का टेंडर निकल चुका है, आप उसको काम को पूर्ण करवाइए, या अगर गली आप नहीं बनवाते हैं तो आप इसका निकासी का पूर्ण समाधान कीजिए, जिससे पानी निकल जाए, जो जल जमा हो रहा है वो चीज़ नहीं हो और हमें परेशानी ना। इस रास्ते से बहुत से लोग आते जाते हैं, ये बीमारी का बहुत बड़ा कारण।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सहाय।